और ये अल्लाह की तरफ से ही कोई वही उतरे तो आपको पता चले, नहीं तो किसी को पता नहीं चल सकता। तो कहा अच्छा, अरे चलो बताओ वो कौन सी 10 दुआएं जो तुम मांगते हो। तो कहा रसूल को 10 दुआएं ये, اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك التمام العافية وأسألك الدوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس. إذا استمع मैं आपको उनका मतलब बताता हूं। अल्लाह मियां सल्लु का ईमान दाइमन, अल्लाह हमेशा कायम रहने वाला ईमान नसीब फरमा। अस्अलु का कल्बन खाशियन, या अल्लाह अपनी जात से खौफ खाने वाला दिल अता फरमा। अस्अलु का यकीनन सादिकन, जिंदगी तुझसे बनती है तुझसे बिगड़ती है या अल्लाह ऐसा यकीन नसीब फरमा। अस्अलुक दीनन कय्यमन, या अल्लाह दीनन सादिकन, हां ए अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो दीन को कायम करने वाले, जो दीन को कायम करने वाले। तो असल इल्म नाफिया, और ए अल्लाह मुझे वैसा इल्म अता फरमा जिससे मेरा दुनिया का भी फायदा हो और मेरी आखिरत का भी फायदा हो। बेकार का फजूल इल्म इससे मेरी जान छोड़, मैंने क्या करना है जान, इसके बारे में मैंने जान कर क्या करना है। आपको पता है सबसे पहले डिज्नी, आपको पता है कि डिज्नी ने सबसे पहली मूवी कौन सी बनाई थी? मैं इसको जान के मुझे क्या फायदा मिलेगा भाई, मुझे क्या पता कब बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे बनाई थी, मैं क्या करूं इसको जान के? ये तो आपको पता होनी चाहिए, मैं क्यों ये क्यों पता होनी चाहिए मुझे? तुझे ये पता है कि वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? तो तुझे ये मुसलमान की औलाद, मुझे ये पता होना चाहिए कि डिज्नी ने पहली फिल्म कब बनाई थी, और तुझे ये नहीं पता कि वुज़ू के फ़राइज़ क्या हैं। मैं मुझे नफी वाला ये बता करूं, तो मैं क्या करूं भाई, कब बनी थी क्या कर, मुझे इसका क्या फायदा? तो ये दुआ जरूर मांगनी है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये तो एक बला है, ये तो एक न्यूसेंस है। यार इंटरनेट के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन है, ये छोटा सा मासूम बच्चा जिसके हाथ में तुम लोगों ने आईफोन ले जाके दे दिया, ये तो तुम्हारी मत मारी जाएगी आने वाले वक्तों में, ये तो पता नहीं क्या करेगा। तुम लोग 8-8 सौ, और फिर कहते हो जी हम तो इनको अपना दोस्त बना के पालते हैं, तुम उनके बाप बनो खुदा के वास्ते, इनको इस वक्त तो बाप की जरूरत है, दोस्त तो इनको मिल जाएंगे फिर बाद में। फिर जब ये कटकल को बड़ा होकर तुम्हारे सामने अपनी गर्लफ्रेंड लाएगा, तुम्हारे सामने शराब पिएगा, खुदा ना करेगा तुम्हारे सामने जब सिगरेट पिएगा तुम्हें अच्छा लगेगा, भाई ये सब कुछ तो दोस्त के सामने ही होता है, तब तो तुम दोस्त हो इसके, तो चलो भुगतो। बाप बनो बाप, तुम लोगों को खुदा का वास्ता देता, बाप बनो बाप। जब ये 20 या 21 साल का हो जाएगा ना, जब उसके कंधे तुम्हारे कंधे जितने चौड़े हो जाएंगे और उसके बाजुओं में तुमसे दुगनी तिगनी ज्यादा जान होगी, तब अगर तो तुमने इसकी मां का ख्याल रखा होगा और इसकी मां ने तुम्हारे खिलाफ इसके कान नहीं भरे होंगे, तो ये तुम्हारी इज्जत करेंगे, नहीं तो ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, समझे? तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ये तुम्हारी इज्जत तब करेंगे जब तुमने इनको बाप बन के पाला होगा। 23-24 साल के जब ये हो जाएंगे ना, और कहेंगे यार हमारा बाप बड़ा अच्छा आदमी है, सख्ती से पाला,
लेकिन चलो मारा भी, लेकिन यार करके उसने मुझे कुरान पर हिफ्ज करा दिया, मेरे बाप ने करा, बूढ़े बाप। वो तुम्हें देखेगा उसका दिल अल्लाह जो है ना तुम्हारी मोहब्बत से भर देंगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मौसम है, इसने तुम्हें कुरान का हाफिज बना दिया। चाहे वो कितना ही चिड़चिड़ा क्यों ना हो उस वक्त ने, कुछ भी क्यों ना हो, तुम गाओगे यार इस आदमी के आगे मैं नहीं बोल सकता, तो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, नहीं तो मेरी जान एक भगत आएगा ये औलाद तुम्हारे मेरे मरने का इंतजार करेगी, कि कभी ये लौटे तो सब कुछ अपने हाथ में रहे। मैं तुझसे तमाम बलाओं से आफियत मांगता हूं, जितने हालात और बलाएं हैं मैं तेरे से उनसे आफियत मांगता हूं। वह असअल का तमाम आफिया, या अल्लाह मैं तुझसे सारी आफियत मांगता हूं। वह असअल का दवाम आफिया, या अल्लाह मैं तुझसे हमेशा रहने वाली आफियत मांगता हूं। वह असअल का शुक्र आफिया, और जो आफियत तूने मुझे दी है ना मैं उस पर तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि शुक्र करने से जिस नेमत का शुक्र करोगे वो नेमत अल्लाह पाक बढ़ा देंगे। शुक्र अल्लाफिया, या अल्लाह जो तुमने मुझे नहीं दी है मैं उस पर तेरा शुक्र करता हूं। वो अस अल कल गिना आने नास, ए अल्लाह मुझे ये सिफत दे कि सारी इंसानियत को तो मेरी जरूरत हो, मुझे किसी की भी जरूरत ना हो, लोगों को मेरी जरूरत हो, मुझे किसी की जरूरत ना हो। तो कहा या रसूलल्लाह ये 10 दुआएं मांगता हूं। फिर आपने फरमाया अच्छा सुनो, जिब्राइल बता गए मुझे कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में जिंदगी दुनिया में दिन में 2 दफा इस दुआ को मांगेगा सिर्फ, उसके अगले पिछले छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दूंगा। क्यों भला? क्यों? क्योंकि अल्लाह की मंशा है, अल्लाह को यह बात पसंद है कि बंदा अल्लाह से आफियत मांगे, कि आफियत अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। पर आफियत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? सेहत। जैसे मूसा अलैहि सलाम ने एक दफा अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अगर तेरा रब होता तो तू उससे क्या मांगता? तो अल्लाह ने फरमाया सेहत, मुझसे सेहत मांगता। तो तमाम आफियतों में सबसे बड़ी आफियत सेहत है। आंख काम करे, कान काम करे, जुबान काम करे, दिमाग काम करे, हड्डियों में दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, आर्थराइटिस से बचा, या अल्लाह शुगर से बचा, या अल्लाह मेरी नदी हक निगाह कमजोर हो रही है इससे बचा, या अल्लाह लिवर की तकलीफ है इससे बचा, किडनी की तकलीफ है इससे बचा, ये चीज खा सकता हूं ये चीज नहीं खा सकता। रॉकफेलर दुनिया का अमीर तरीन आदमी था अपने वक्त में, रॉकफेलर सिवाय लैक्टोज फ्री मिल्क के उसके जिस्म के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती थी, और वो भी एक ट्यूब के जरिए जाती थी।